सिपाही बहाली की परीक्षा 1 अक्टूबर को हुई थी, जो 2 पाली में हुई थी। उसके बाद 7 अक्टूबर को एक एग्ज़ाम होना था और 15 अक्टूबर को, लेकिन इन सिपाही बहालियों की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। आखिरकार क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये परीक्षा रद्द हो गई, ये बहाली रद्द हुई, जानेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा से सीधा। सर, क्या कुछ जानकारी, आखिरकार क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये परीक्षा रद्द हो गई? देखिए, 1 तारीख को जो परीक्षा हुई थी 2 पालियों में, उसके बाद कदाचार की खबरें आई थी, काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी पकड़े भी गए थे। 61 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई थी पूरे राज्य भर में। 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था और 21,000 से ज़्यादा सिपाही की भर्ती की परीक्षा ली गई थी, 21,000 से ज़्यादा की बहाली के लिए परीक्षा ली गई थी। और 7 अक्टूबर को भी, यानी पहली और दूसरी पाली की परीक्षा ले ली गई है, जो 1 अक्टूबर को दूसरी और तीसरे पाली की परीक्षा थी 7 अक्टूबर को, और तीसरे और चौथे पाली की परीक्षा थी 7 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर को पांचवी और छठी पाली की परीक्षा थी। तो चूंकि ये परीक्षा रद्द कर दी गई है, इसीलिए अगले आदेश तक 7 और 15 को होने वाली जो परीक्षा थी वो भी स्थगित कर दी गई है, ये जानकारी है। अब रद्द क्यों की गई है, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसकी खबरें आई थी कि इसमें कदाचार हुआ है, इसी वजह से EOU को इसको जांच का जिम्मा दिया गया था। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जांच में ऐसा पाया गया है, जो प्रश्न पत्र लीक हुए थे और जो अंदर थे प्रश्न पत्र, उनसे मिलान हुआ, तो उसमें शायद इस बात की पुष्टि हुई है कि जो प्रश्न पत्र, जो सवाल पूछे गए थे, वही इस, मतलब मिलान हो गया है। इसी के बाद 6 परीक्षार्थियों से, जहां तक मेरी जानकारी है, कि प्रश्न पत्र मिले थे आंसर की। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि जब जब परीक्षा सामने आती है तो हमेशा पेपर लीक की वारदात सामने आती है? BPSC की भी बात करें, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षा बिहार में होती है, हर बार पेपर लीक और कदाचार की बातें सामने आती है। इस पर सवाल भी उठा था, अशोक सिंघल इसके अध्यक्ष हैं, हालांकि उन्होंने सामने आकर के इनकार किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम सही तरीके से फेयर माहौल में परीक्षा ली गई है। लेकिन अब जो खबरें आ रही है उससे उनकी बातों को, मतलब दावे को खारिज किया जा सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तभी चूंकि काफ़ी संख्या में 4 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, सबको उम्मीद थी कि रिजल्ट आएगा फिर सिपाही बनेंगे वो लोग, लेकिन अब परीक्षा रद्द भी कर दी गई और आने वाली परीक्षा स्थगित भी कर दी गई। तो अब अगला अनाउंसमेंट कब होता है, कब परीक्षा ली जाती है, ये भी सवाल है। तो निराशा हाथ लगी है, जो लोग पढ़ लिख करके इस परीक्षा को जिन्होंने दी थी उनके लिए तो निराशा की बात है, और जिन लोगों ने भी इधर उधर से किया था उन लोगों को भी निराशा हाथ लगेगी कि जो सेटिंग वेटिंग करके अपना दिए थे उन लोगों के लिए भी ये। तो बड़े पैमाने पर धांधली की खबर आई थी, इसी वजह से ये डिसीजन लिया गया है और रद्द कर दिया गया है पहली और दूसरी पाली की परीक्षा। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पाली की जो परीक्षा 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली है वो स्थगित कर दी गई। इसमें, इस पूरे मामले में एक गैंग का नाम भी सामने आ रहा है, मुन्ना भाई एंड गैंग, जो ये प्रश्न पत्र देता है। तो ऐसे गैंग के लिए सरकार आखिरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा? देखिए, अमूमन ऐसी खबरें आती है, खासतौर पर बिहार में या झारखंड में भी कह सकते हैं, जैक का भी काफ़ी विवादों से नाता रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ आता है, इस वजह से परीक्षा रद्द होती रही है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है और इस पर ज़रूरत है, बिल्कुल सरकार को इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है और इस पर बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ऐसे एक दो नहीं, दर्जनों या सैकड़ों की संख्या में गैंग है जो पैसा लेकर के परीक्षार्थी की जगह पर अपना कैंडिडेट बिठाता है, एडमिट कार्ड में मैनेज करके सेंटर तक मैनेज कर लिया जाता है, सेंटर के अधीक्षक तक को मैनेज कर लिया जाता है। EOU की जांच में फाइंड आउट जरूर होगा और वो लोग पकड़े भी जाएंगे। फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि रद्द कर दी गई है पहली और दूसरी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है शिक्षक बहाली की, जो परीक्षा 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जब ये 1 अक्टूबर को ये परीक्षा हुई थी तो उसमें जो बोल सकते कदाचार के मामले ज़्यादा सामने आए थे, प्रश्न पत्र लीक होने के मामले सामने आए थे। अब देखना होगा कि इस बार किस तरीके से स्टूडेंट्स अपना आक्रोश दिखाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कई स्टूडेंट्स जो मेहनत करके इतने आगे बढ़े हैं। बहरहाल, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता और आप IVTV देख रहे हैं। धन्यवाद।